जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को एक चीज़ बताने वाला हूँ। कल से आप सभी को पता है कि CISF के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, और आप सभी को सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट आप चीज़ लेकर जाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आप ध्यान रखिएगा, आप अपना एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड इशू किया गया है इसकी लम से लम दो कॉपी जरूर रखें अपने पास, सबसे पहला पॉइंट। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो लेटेस्ट अगर आपके पास फ़ोटो है तो लेटेस्ट फ़ोटो की कम से कम आप अपने पास 5 कॉपी रखिएगा, 4 कॉपी वहाँ मांगी जाती है, लेकिन आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की 4 कॉपी कम से कम रखिए, 5 कॉपी रखिए आप या ज़्यादा ही रखिए। तीसरा चीज़, अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का जेरोक्स, पहला चीज़। और दूसरा, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में आपको अपने सारे जेरोक्स अटैच करने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब आप ये कागज़ एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाएंगे, काउंटर बने होते हैं 1, 2, 3, 4, इस काउंटर पे जो अधिकारी यहाँ बैठा रहता है वो आपके डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेगा, तो इसीलिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बता दिए, सबसे पहला एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, लेटेस्ट फोटो लेकर जाना है, आप अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, और उसके बाद आता है एक अपना ओरिजिनल आई कार्ड। ओरिजिनल आई कार्ड में आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट भी वैलिड होती है, तो आप ओरिजिनल मार्कशीट रख सकते हैं। इसके बाद जैसे कोई बच्चा अगर EWS से है, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप उसका ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेकर जाइएगा, ठीक है, कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो। आपको सेंटर पर 1 आवर पहले पहुंच जाइएगा, 1 घंटा पहले, आप 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको वहां लेकर जाने हैं, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारा क्लियर हो चुका है, अगर आपको अभी भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। अब हम नेक्स्ट बार आते हैं, आपको टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर आप नर्वस मत होइएगा, नर्वस मत होना, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अगर आप नर्वस होते हैं और स्टार्टिंग के कुछ समय नर्वस हो गए, अगर भीड़ देख के नर्वस हो गए, या फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो बोला कि मेरा 60 टाइपिंग है, मेरा 45 है, मेरा 50 है, मैं 2 साल से 3 साल से कर रहा हूँ, तो आप ये सब चीज़ों में मत पड़िएगा, कम से कम बात कीजिए, कम से कम बात करना है आपको, क्योंकि आपने क्या किया क्या नहीं किया ये आपको कल पता चलेगा, और आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिएगा, तो इसलिए नर्वस मत होइएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग जो आप करेंगे ये थोड़ा स्लो कीजिएगा, स्टार्टिंग टाइपिंग की जो स्टार्टिंग होती है इसको थोड़ा स्लो कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आपके मिस्टेक होने लगे और आपने बैक स्पेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इससे आपको बहुत ही दिक्कत होगी, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, और आप हो सकता है कि आप अपना स्पीड ही भूल जाए या एकदम बैक हो जाएंगे, तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग स्लो रखिएगा, सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा, बैक स्पेस का कम से कम यूज़ कीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तीसरा पॉइंट, कीबोर्ड को आप चेक कर लें। देखिए होता क्या है, कभी कभी कीबोर्ड ख़राब होता है, तो आप कीबोर्ड को वहाँ चेक करें, इसको आप एक्सचेंज मतलब रीचेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं, तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। और दूसरी चीज़, आप डरिएगा मत, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, अगर मैं आप बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है, तो आप ऐसा मत डरिएगा कि आपसे बात नहीं करेंगे, आपको डांटेंगे, बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है, आप बात कीजिएगा, उनके सीनियर से बात करिएगा, आपको कीवर्ड चेंज भी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, एक एक करके मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो आपको आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है,
आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। टाइपिंग टेस्ट में नर्वस नहीं होना है, कम से कम लोगों से बात करना है, स्टार्टिंग अपनी थोड़ी स्लो रखिएगा, मटेरियल को पढ़िएगा, स्लो रखिएगा, मटेरियल देखिएगा, टाइपिंग करते जाइएगा, मिस्टेक्स कम होंगे, बैक स्पेस का यूज़ कम कीजिएगा। कीबोर्ड अगर आपको लगता है कि कीबोर्ड में कोई परेशानी है तो कीबोर्ड आप चेंज करा सकते हैं। बैक स्पेस यूज होता है पहली बात, वहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने साथ पानी का बोतल जरूर ले जाएं और बिस्किट्स रख सकते हैं अगर आपको मन है तो, बाकी वहाँ कैंटीन है, आप कैंटीन से सामान भी खा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वहाँ वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, आप सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बेफिक्र रहिएगा, एकदम फ्रीली रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा और अच्छे से टाइपिंग करिएगा। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, कमेंट कीजिए। कल से आपका स्टार्ट है, तो कल से पहले तक आपकी पता है ड्यूटी सबकी अलॉट हो चुकी है, सारे जितने ड्यूटी वाले सब अपने सेंटर्स पहुँच चुके हैं, तो आप लोग भी अपने सेंटर पर टाइम पर पहुँचिएगा और कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। जय हिंद।